हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों EPS 95 पेंशनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, है कि हम सभी पेंशनों की जो भी डिमांड है और जो हमारी गवर्नमेंट से बात हुई है और हमारी आगे की प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, वहाँ पर BJP की सरकार आ गई है। ठीक दोस्तों, तो आगे इसकी क्या क्या रणनीति बताएंगे, क्या क्या बातें होंगी, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। ठीक दोस्तों, संघर्ष में धकेला नहीं जाएगा। आपने जिन लोगों के ऊपर जवाबदारी दी है वो आपके लिए संघर्ष करेंगे और आपको विजय श्री प्राप्त करवा देंगे। ये हमारा संघर्ष आज यहीं से बोलता है, उसका संविधान यहीं से होता है और हमारी मनोकामनाएं, हमारी कामनाएं, हमारा भविष्य कार्य निश्चित रूप से जो है जल्दी से जल्दी पूरा होगा। किसी भी कमान के साथ मिले तो उन्होंने सीधा कहा कि जिन लोगों का सरकार के पास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके 3,000 रुपए सरकार देती है, उनको पेंशन के रूप में देती है। आपने तो पूरे जीवन भर कंट्रीब्यूशन दिया है, आपको तो अच्छे पेंशन मिलने ही चाहिए। ये सभी चीजें पॉजिटिव है। संघर्ष ही हमारा चरम सीमा पर है और संघर्ष की इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश सरकार पे उसके ऊपर हमारा दबाव पड़े और हमारी मांगों में हमें सहयोग करें और मोदी जी रूप से हमारी मांगे तुरंत मंजूर करवाए, इसीलिए आज की यह सभा है। संक्षिप्त शब्दों में 8-10 लाइन में अपनी बात बताऊंगा। आप सभी अपने हैं हमारे, ये कोई हमारा भाषण नहीं है, हम तो कुछ और लिख के आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो हमने आपको देखा है इतनी बड़ी संख्या में, आप सबका अनिवर्षणीय उत्साह देखा तो मेरे अंदर एक भावना ऐसी लगी कि हम विजय के बहुत नजदीक हैं, बहुत विजय के करीब हैं और जल्दी से जल्दी आपको शुभवार्ता मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग सोचते हैं कि मोदी सरकार क्रूर है, हमारे काम नहीं कर रही है, लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि मोदी सरकार में डिसीजन 1 घंटे के अंदर होता है, 1 दिन के अंदर होता है। आपने देखा था UPS का मामला, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 दिन के अंदर सुलझा दिया। कमांडर साहब के मित्र है हमारे मित्र शिव गोपाल जी शर्मा मिश्रा, शिव गोपाल जी मिश्रा बहुत बड़े व्यक्ति है, भारतवर्ष में एक अकेले व्यक्ति है जो रेलवे मेन्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है और जो एक समिति होती है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उसके भी सचिव है, जो स्टाफ की कमेटी होती है